दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ की बड़ी हार के बाद केएल राहुल पर भड़के लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका। हार के बाद कर दिया सनसनी मचा देने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेले गए मैच में लखनऊ की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका भड़क उठे और इस बीच उन्होंने खुलासा करते हुए केएल राहुल पर गुस्सा होने की वजह बताई और कैसा बयान जारी कर दिया, जिसको सुनकर आप कभी पर तले कमीन खिसक जाएंगे। तो आखिरकार लखनऊ की हार के बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका ने क्या कहा तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और रोहित में कौन है बेहतरीन सलामी बल्लेबाज और कप्तान? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हैदराबाद की टीम को अपने घर पर लखनऊ के खिलाफ 10 विकेट से जीत मिली है। इस मैच में लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन के 48 और आयुष बदौनी के 55 रन के दम पर 165 रन 4 विकेट खोकर बनाने का मौका मिला, जहां पर केएल राहुल 33 गेंद पर मात्र 28 रन बना पाए। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 2 और पैट कमिंस ने 1 विकेट लिया। हालांकि इसका पीछा करने आई हैदराबाद की टीम ने 9.4 ओवर में लक्ष्य को 10 विकेट से अपने नाम किया, जहां पर अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद पर 75 रन तो ट्रेविस हेड ने 30 गेंद पर 89 रन का योगदान दिया, जिसके चलते हैदराबाद को जीत मिल गई। हालांकि इस मैच में लखनऊ की टीम को मिली हार के बाद लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका उड़ चुके हैं और उन्होंने हारने के बाद भड़काऊ बयान जारी कर दिया है, जिसमें लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका ने बयान देते हुए कहा कि लखनऊ की टीम को इस मैच के अंदर जीत नहीं मिली है। हालांकि इस मैच में लखनऊ की टीम के लिए जीत दर्ज करना काफी ज्यादा जरूरी था। पता नहीं क्यों लखनऊ की टीम के खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया, जिसके कारण लखनऊ की टीम इस मैच को जीतने में असमर्थ रही है। हालांकि इस मैच के अंदर लखनऊ की टीम के लिए कप्तान केएल राहुल ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया, जो बताता है कि लखनऊ की टीम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही। इसके अलावा आज के मैच में काफी दौरान दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से आज की टीम के बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया उससे काफी ज्यादा बेहतर हैदराबाद की टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने कर दिखा, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि दोनों टीम एक ही पिच पर बल्लेबाजी कर रही थी और हैदराबाद की टीम ने बेहतर बल्लेबाजी की है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि राहुल टीम के कप्तान हैं, ऐसे में उनके ऊपर मुझे सारा काफी विश्वास था, लेकिन आज उन्होंने सारा का सारा विश्वास अपने ऊपर से खो दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने आज इस मैच में अंदर काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी की और काफी ज्यादा खराब कप्तानी की है, तो बताता है कि केएल राहुल अगर दबाव में आकर काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अगर केएल राहुल के बस की बात बेहतरीन बल्लेबाजी करना और बेहतर कप्तानी करना नहीं है तो वह मुझे बता दें, क्योंकि हमारी टीम के पास और भी काबिल खिलाड़ी मौजूद है जो टीम को बेहतर तरीके से आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। ऐसे में कप्तान केएल राहुल से मुझे उम्मीद है कि वह आगे आने वाले मैच में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे मजबूरन इस दिग्गज खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यह खिलाड़ी इस समय खराब प्रदर्शन के जरिए टीम का माहौल भी बिगाड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में लखनऊ की टीम को किस खिलाड़ी के कारण हार का सामना करना पड़ा? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।